हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी मूंग दाल हलवा बनाने की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अक्सर शादियों में बनाया जाता है मूंग दाल हलवा, तो ये वही हलवा आज हम घर में बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ये 1 कप मूंग की दाल को सोक करने के लिए रखा था ओवरनाइट। ये अच्छे से सोक हो गई है, जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 कप मूंग की दाल का यूज़ किया है और ये मैंने 1 कप घी लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता है। तो मैंने काजू लिए हैं, पिस्ता लिया है और 4 छोटी इलायची ली हैं और जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने शुगर लिए है 1/2 कप। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना है, मैंने ये ग्राइंडिंग जार लिया है, मूंग की दाल को हमें पीसना है दरदरा। और फ्रेंड्स, ये मैंने क्या किया था, ये ओवरनाइट का जो पानी होता है हम रखते हैं दाल को भिगोने के लिए, अक्सर उसको पानी को यूज़ नहीं करना है, आपको अच्छे से दाल को वॉश कर लेना है, धो लेना है, फिर इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है दाल को। चलिए मैं ग्राइंडिंग जार में सारी दाल को डाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पानी लिया है, ठंडा पानी लेना है आपको मूंग दाल पीसने के लिए। रीज़न ये रहता है फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न है और हम जी ग्राइंडिंग जब हम चलाते हैं इसको, मिक्सी गर्म हो जाती है तो फ्रेंड्स इससे बैलेंस हो जाता है, तो इसलिए आपको पीसते टाइम इसको ठंडा पानी का यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पानी यूज़ होगा दाल पीसने के लिए, तो उसमें बेसिकली थोड़ा सा ही पानी जाता है। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं दाल को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मूंग दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एकदम दरदरा पीसना है आपको। चलिए हलवा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, इस पर कढ़ाई रख ली है, इसमें घी को ऐड कर लेंगे। अब घी को हल्का सा गर्म हो जाने देना है, तेल गर्म हो गया है तो फ्रेंड्स यह घी, तो इसमें हम ये दाल को ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप घी की जगह इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये घी हमारा गर्म हो गया है, मैं इसमें ये सारा दाल पिसी हुई जो है वो सब ऐड कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, इसको कंटिन्यूसली चलाते जाना है, दाल की अच्छे से भुनाई करनी है हमें। अक्सर फ्रेंड्स ये शादियों में जो बनाते हैं लोग, तो फ्रेंड्स हलवाई जो भी हैं, तो फ्रेंड्स वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करते हैं दाल की। मूंग दाल हलवा बनाने की कुछ छोटी सी छोटी टिप्स होती हैं फ्रेंड्स, जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, तभी आपका एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल या हलवाई स्टाइल कह लो फ्रेंड्स, बिल्कुल वही तरीके से हलवा बन पाएगा आपके घर में। सो फ्रेंड्स, ये मैं ऐसी ही छोटी से छोटी टिप्स बताती हूँ आपको, जो फॉलो करना ज़रूरी होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, अब क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ये घी था, बिल्कुल दाल ने ऑब्जर्व कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, समय के हिसाब से ये घी जो है हमारा रिलीज होता जाएगा, तो दाल की कंटिन्यूसली भुनाई करनी है हमें। याद रहे आपको फ्रेंड्स, ये मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है और इसको कंटिन्यूसली चलाना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है दाल को। दाल को हमें तब तक पकाना है फ्रेंड्स, ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, और अगर आपको गहरा कलर चाहिए तो फ्रेंड्स इसको और ज़्यादा मतलब देर तक पकाइए, इसको कंटिन्यूसली पकाना है। मगर फ्रेंड्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा कलर चाहिए, कैसा कलर रखना है दाल का। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कंटिन्यूसली चलाते हुए 10 मिनट हो गई है लगभग, और दाल का कलर देख सकते हो आप अभी। फिर भी फ्रेंड्स, ये उस तरह से नहीं पकी है जिस तरह से ये पकाई जाती है मूंग की दाल, तो असल में फ्रेंड्स अभी हमें 10 मिनट और लगेंगे इसको अच्छे से भूनने के लिए। कुछ इस तरह से आपको करते जाना है, दाल को पकाते जाना है, ऐसी लगातार इसकी भुनाई करनी है हमें दाल की। अगर इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे नहीं तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए इसकी भुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूंग की दाल का कच्चा पानी जो है वो हमें बिल्कुल ख़त्म करना है, थोड़ा टाइम तो लगता है ज़्यादा फ्रेंड्स, मगर ये खाने में इतना टेस्टी होता है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो दाल का कलर, हमें 10 मिनट्स और हो गई है इसको भूनते हुए, अच्छी तरह से ये भुन चुकी है दाल। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें पानी ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो पानी ऐड करने से पहले आपको एक चीज़ और दिखा दूं, जिसमें दाने दाने दिखाई देने लगे हैं दाल में, आप देख सकते हो।
और इसका कलर कितना प्यारा सा आ गया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी 2 कप। इस कप से मैं 2 कप पानी यूज करूंगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा पानी डालते ही इसमें बबल्स आ गए। फ्रेंड्स, दाल बहुत ज्यादा गर्म है, इसमें मैं दूसरा भी कप पानी ऐड कर देती हूँ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, 10 मिनट्स के लिए इसको और लगातार मीडियम फ्लेम पे इसको बिल्कुल पकाना है, ऑब्जर्व करना है पानी को दाल के अंदर। इस स्टेज पे मैं केसरी फूड कलर ऐड कर रही हूँ, आप केसर के धागे भी ऐड कर सकते हो। और बस इसको कंटिन्यूसली चलाते जाना है, कलर भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हमारा दाल भी अच्छी तरह से भुन जाएगी। और बस इसमें पानी ऑब्जर्व हो गया है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्वाद के अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर ऐड कर दूंगी मैं सारी, और इसको भी कंटिन्यूसली पकाना है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें शुगर में से भी पानी निकलेगा, तो उसको भी बिल्कुल ऑब्जर्व करना है हमें दाल के अंदर। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो हमने पानी और जो शुगर ऐड की थी फ्रेंड्स, इसका शुगर का पानी और जो पानी है बिल्कुल सूख गया है दाल के अंदर, और इसमें से घी रिलीज होने लगा है। इतना ही हमें इसको पकाना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कैसे सिमटने लगा है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें इसको पकाना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस स्टेज पे खोया ऐड करेंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, ये मेरा होममेड खोया है, आप रेडीमेड भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये होममेड खोए की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कॉमेंट बॉक्स सेक्शन में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इसकी रेसिपी। खोए को अच्छे से मिक्स कर लेना है दाल के साथ में। सो फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनकर ऑलमोस्ट तैयार है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें बघार लगाऊंगी इलायची का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 2-3 चम्मच खाने के घी ले लेती हूँ। अब घी को हम गर्म होने देंगे। और फ्रेंड्स, आप इस तरह से जब हलवा बनाओगे तो फ्रेंड्स 4 चांद लग जाएंगे, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें क्या करूँगी, घी गर्म हो गया है, मैंने इलायची का फाइन पाउडर पीस लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको हल्का सा गरम कर लेंगे इलायची को भी। सो फ्रेंड्स, मैंने हलवे को सर्व कर लिया है एक बाउल में। अब मैं इसको गार्निशिंग कर लूंगी पिस्ता और काजू के से। सो फ्रेंड्स, ये कितना टेस्टी लग रहा है देख सकते हो आप। फ्रेंड्स, किसका किसका फेवरेट है ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कमेंट करके। और ये हलवे की रेसिपी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो फ्रेंड्स, ज़रूर से बताइए। और आपकी फैमिली में किस किस को पसंद है ज़रूर बताइए मुझे। रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स एक लाइक तो जरूर कर दीजिए मूंग दाल हलवे के लिए। और इधर फ्रेंड्स, हमने इलायची का बघार लगाया था वो ऐड कर देंगे इसमें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो उसका फाइनल लुक, इलायची का ही बघार हमने लगा दिया है इसमें हलवे में, और कितना टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स ये। अगर रेसिपी पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे प्रेस जरूर कीजिए बटन को, इसलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मेरी रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।